हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस साल का अभी हमारा आज सुबह जो हुआ है यूपीएससी मेंस 2021 का एसए पेपर उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो सेक्शन वन है, सेक्शन ए है, उसमें चार एसए पूछे गए, चारों के चारों है वो फिलोसॉफिकल एसए पूछे गए हैं। ठीक है, फिलोसॉफिकल, और इसमें से कुछ तो मतलब बहुत ही ज्यादा टफ है। सेक्शन ए बहुत टफ लगा मुझे, इज नाउ बीइंग टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। ठीक है, तो इसमें सेल्फ डिस्कवरी को टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट किया गया है। आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल, जो इंट्रोवर्ट लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया और अब वो बहुत ही फेमस हो गया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एक ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से मेरा मानना है इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मी इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। ठीक है, तो इसको भी आप अटेम्प्ट, अपब्रिंगिंग है, संस्कार वगैरह हम जिसको बोलते हैं, डिसिप्लिन है, ठीक है, गुड बिहेवियर विथ अदर्स, इन सब चीजों को इंक्लूड करके इस टॉपिक को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन दिस ऐसे यू कैन यूज गांधीज बुक एक्सपीरियंस, उसका भी उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर जो बाकी के दो है, ये दोनों मतलब फुल्ली फिलोसॉफिकल ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए, थर्ड वन है फिलोसॉफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज मेरा मतलब माया इल्यूजन। तो ये टोटली फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, और ये जो यूटोपियन है, वॉन्टलेसनेस है, मटेरियलिज्म है, इस तरह की थियरी है, और जो टॉपिक है वो पीएसआईआर वाले काफी पढ़ते हैं, तो आइडिया तो मिल सकता है। जो इसके अलावा, जो पॉलिटिकल साइंस के अलावा जो स्टूडेंट है उनके लिए काफी थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है, ये भी जो हेगल है पॉलिटिकल थिंकर्स उनका कोट है, और डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस से हम इसको बोल सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस थिंकर को भी पढ़ते हैं, तो वो इसको, तो ये एक पॉलिटिकल साइंस का हम बोल सकते हैं एडवांटेज हो सकता है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये जो हमारा सेक्शन ए है, इट इज वेरी टफ और अनकन्वेंशनल है। ठीक है, अनकन्वेंशनल, बट हम यूपीएससी से इस तरीके के सरप्राइज एलिमेंट और इस तरीके की चीजें एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो क्या है कि आपके जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, जैसे कि हो गया हमारा हेल्थ, एजुकेशन, सोसाइटी, वुमन मिलेगा, तो इससे क्या है, लगभग लगभग सबको एक शॉक और झटका लगा होगा पेपर देख के, क्योंकि हर बार लोग सोच के जाते हैं कि हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन वो क्या है, इनडायरेक्टली है, तो आप उसको देख सकते हैं। देन फर्स्ट टॉपिक इज हैव द डॉक्टर क्रेडल रूल द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें तो इसका जो टर्मिनोलॉजी है, डॉक्टर क्रेडल रूल द वर्ल्ड, ये कि तो वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहे हैं और कौन मतलब सुप्रीम पावर वगैरह, उससे रिलेट हम इसको कर सकते हैं। बट देखिए, इसका आप हिंदी वर्जन भी देखेंगे तो उसमें लिखा है, आज को मैं बहुत ही टफ मानूंगा और इसको अटेम्प्ट करना मेरे तरफ से तो एडवाइजेबल नहीं है। देन व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड स्टेट एंड डेट है। ब्लाइंड डेट से ये लोग क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि जब हम नॉलेज के लिए रिसर्च करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो सरप्राइजिंग होता है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड भी समटाइम हो सकता है, कुछ नया जब हमको मिलता है इसलिए हम उसको ब्लाइंड डेट बोलते हैं कि हमको भाई कुछ भी मिल सकता है, अच्छा बुरा। तो ये भी मैं बोलूंगा काफी टफ क्वेश्चन है, और इसको भी अटेम्प्ट करने का आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने इन टॉपिक्स को ही अटेम्प्ट किया होगा। इसमें पहला, थर्ड वन है हिस्ट्री पार्ट्स मतलब इमिटेट करना, मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे बट आप इमिटेट करें कि मैं कुछ सिचुएशन है उसको समझे, या पहले जो स्पेनिश फ्लू था उसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे आप फैशन को इंक्लूड कर सकते हैं, कि जो 90s की इंक्लूड कर सकते हैं, आप बोलेंगे कैसे कि डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है वो देखने को मिले आपको, तो ये भी एक चेंज है, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन फोर इज देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेटर टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये बेस्ट जो है वो एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है, तो बेस्ट अचीव करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, हम कितना भी को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जो छोटी छोटी हैबिट होती है, छोटी छोटी बेटर प्रैक्टिसेस होती है, उनको इंक्लूड करना पड़ता है। सपोज अगर आपको 3 आवर का पेपर लिखना है तो पहले आप 2 क्वेश्चन लिखेंगे, 3 क्वेश्चन। अच्छी बॉडी बनाना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, डाइट को सुधारना पड़ेगा, अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी, तो बेस्ट अचीव करने के लिए इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि सम बुक होती है, एटॉमिक हैबिट एक बुक है, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये वाला भी सेक्शन ऐसे तो टफ है, पर इसमें ये दो टॉपिक है इसको काफी लोग, अब हम देखते हैं कि इस तरीके के अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट अगर आते हैं तो उनको टैकल कैसे किया जाए कि भाई कुछ हमारे स्कोरिंग मार्क्स आ जाए, और आगे के लिए हमें इसको कैसे ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ अ टॉपिक्स। तो आपको सबसे पहले ये पेपर देख के घबराने के लिए है, इट इज नॉट ओनली फॉर यू। ठीक है, ओनली फॉर यू नहीं है, सबके लिए है, कोई इतना सुपर पावर तो किसी के पास नहीं है कि वहाँ पे जाके मतलब सारे टॉपिक के बारे में उसको पता होगा, कुछ मतलब किया होगा और फिर डिसाइड किया होगा कौन सा वो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इस तरह के जो ऐसे से उनको अटेम्प्ट करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी, कोई बुक, कुछ भी काम नहीं आता है, लेकिन क्या काम आ सकता है, कोई बुक होती है। ठीक है, जैसे कि द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, फिर एटॉमिक हैबिट हो गई, ये सब बुक है, इस तरीके की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो हेल्प कर सकते हैं। उसकी जो समरीज होती है उसको आप यूट्यूब पे देखें और उसके नोट्स कलेक्ट कर लें,
ताकि आप फ्यूचर में उनको अपने एसेस में यूज कर पाए, उनको बार बार रिवाइज करें, जिससे वो आपके मन में फ्रेश मेमोरीज बनी रहे। तो सोसाइटी और सोसाइटी में भी स्पेशली अब जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू एजुकेशन एंड विच टाइम वी आर इवॉल्विंग एज अ सोसाइटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो टॉपिक है वोकैबुलरी भी डेवलप होगी और आपका हॉरिजन ब्रॉड होगा, जिससे आप किसी भी टॉपिक पे कुछ ना कुछ एटलीस्ट लिख पाए। फिर आपने जो भी टॉपिक चूज किया है उसको ब्रेकआउट कीजिए, उसके सराउंडिंग से रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि हाँ इससे हम किस चीज को रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप उसके अंदर अलग अलग डायमेंशन में कुछ ना कुछ लिख पाएंगे और आप ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसी सिचुएशन में बहुत ही जरूरी है कि फोकस ऑन स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान दे, प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दे। इससे क्या होगा, आपका जो ऐसे है वो दूसरों से अच्छा दिखेगा और आपको कुछ प्लस मार्क्स मिल सके। अब हम देखने जाए तो ओवरऑल ये जो हमारा पेपर था वो मैं तो बोलूंगा बहुत ही टफ और अनकन्वेंशनल था। कुछ लोगों को तो इसको देख के शौक लग गया होगा, अब जो लोग मेंस दे रहे हैं वो इसको भूल जाए और आगे के लिए अपने पेपर जो है उस पर फोकस करे, और जो लोग अगले साल देने वाले हैं वो उसको इसको अच्छे से एनालाइज करे और सोचे भाई इस तरीके के टॉपिक के लिए हमें कैसे तैयार होना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।